भारत देश में पानी जैसी मुफ्त में मिलने वाली चीज को बोतल में पैक करके बेचने की बात सुनकर ही लोगों को हंसी आ जाती है। जब बिस्लेरी कंपनी ने पानी बेचना शुरू किया तो लोगों ने इस कंपनी का बहुत मजाक बनाया। आज ये कंपनी हर महीने 18 करोड़ से अधिक पानी की बोतल बेचती है और एक साल में करीब 2000 करोड़ रुपयों से अधिक का मुनाफा बिस्लेरी को हो रहा है। लेकिन आखिर कैसे बिस्लेरी ने भारत देश में इतना बड़ा बिजनेस स्थापित किया? आखिर कैसे बिस्लेरी ने भारत के 60% पैक्ड मिनरल वाटर पर कब्जा किया? बिस्लेरी की सफलता की पूरी कहानी जानने के लिए बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। भारत जैसे देश में लोगों को बोतल पैक पानी बेचना और करोड़ों रुपयों की कंपनी खड़ी करना आसान बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिस्लेरी ने आज भारतीय मार्केट में एक ऐसी पहचान बना दी है कि लोग दुकान पर जाकर पानी नहीं मांगते बल्कि बिस्लेरी मांगते हैं। बिस्लेरी एक विदेशी कंपनी है जो मलेरिया की दवाई बनाने का काम किया करती थी। इस कंपनी की शुरुआत सैग्नोर फैलिस बिस्लेरी ने की थी और उन्हीं के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया। सन 1921 में उनकी मौत हो गई और उन्होंने कंपनी का सारा दायित्व अपने फैमिली डॉक्टर और बिस्लेरी कंपनी में लीगल एडवाइजर डॉक्टर रोसिस को बेच दिया। डॉक्टर रोसिस ने ही भारत में बिस्लेरी कंपनी की शुरुआत की। जिस समय भारत आजाद हो रहा था, रोसिस ने देखा कि भारत में लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ना जाने गंदा पानी पीने के कारण कितने ही लोग रोजाना बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर रोसिस का एक बेटा था खुशरू संतूख, जिन्होंने मुंबई के ठाणे इलाके में सन 1965 में पहला बिस्लेरी का प्लांट लगाया। खुशरू ने जब बिस्लेरी का प्लांट लगाया तो उनका बहुत मजाक बनाया गया। लोगों ने कहा कि भला कौन पैसा देकर पानी खरीदेगा। मुंबई में तो उस समय पीने के साफ पानी की किल्लत थी। गरीब और मिडिल क्लास के लोग तो कैसे भी पानी पी लेते थे, लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक और रिच क्लास लोगों को एक अच्छे और साफ पानी की नीड थी। शुरुआत में बिस्लेरी ने अमीर लोगों, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ही टारगेट किया, लेकिन कंपनी के मालिक जानते थे कि यदि उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो लिमिटेड लोगों को टारगेट करने से बात नहीं बनेगी। वे कुछ बड़ा करने की सोचते हैं कि इतने में साल 1969 में पार्ले कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में बिस्लेरी कंपनी को खरीद लिया। बिस्लेरी कंपनी को खरीदने के बाद पार्ले ने 2 सोडा लॉन्च किए। लोग भले ही पानी नहीं खरीदा करते थे, लेकिन सोडा लोगों ने खरीदना शुरू किया। पर अब भी बिस्लेरी आम लोगों की पहुँच से दूर थी। कुछ ही समय में पार्ले ने सोडा के राइट्स कोका कोला को बेच दिए और पूरी तरह केवल पानी के बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। बिस्लेरी नाम विदेशी था और काफी क्लासी भी लगता था। इसी का फायदा कंपनी ने उठाया और एक स्लोगन जारी किया, बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साथ ही कंपनी ने पीवीसी प्लास्टिक के बजाय पेट प्लास्टिक में पानी बेचना शुरू किया, क्योंकि पेट प्लास्टिक में पानी ज्यादा साफ और क्लियर नजर आता है। सन 1995 में बिस्लेरी ने 500 मिलीमीटर की बोतल लॉन्च की, जिसकी कीमत केवल 5 रुपए थी। 1 लीटर की बोतल लोगों को बड़ी लगती थी, लेकिन आधा लीटर की बोतल लोगों को बेहद पसंद आई। लोग शो ऑफ करने के लिए भी बिस्लेरी की बोतल खरीद लिया करते थे। देखते ही देखते बिस्लेरी की डिमांड कई गुना बढ़ गई। इसके बाद बिस्लेरी कंपनी ने 5 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग बनानी शुरू की। बिस्लेरी ने कई प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। शादी में बुजुर्गों को बिस्लेरी के फ्री सैंपल्स देने शुरू किए। लोग अब बिस्लेरी को पहचानने लगे। आम लोग भी बिस्लेरी को आसानी से अफोर्ड कर पा रहे थे। 2006 में बिस्लेरी ने अपने लोगो और पैकिंग का कलर ब्लू से बदलकर ग्रीन कर लिया, जिससे कंपनी ये संदेश देना चाहती थी कि उन्हें एनवायरनमेंट की चिंता है। आज बिस्लेरी कंपनी की नेटवर्थ अरबों रुपए है। कंपनी ने साल 2021 में 1500 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया। देश में बिस्लेरी के 135 से अधिक प्लांट्स हैं। 18 करोड़ बोतल बिस्लेरी हर महीने भारत में बेचती है। 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और करीब 5 लाख रिटेल स्टोर्स पर बिस्लेरी का पानी बिक रहा है। बिस्लेरी ने हमेशा अपनी क्वालिटी को बेस्ट रखा है। 114 क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद बिस्लेरी का पानी मार्केट में आता है। पर्सनल यूज से लेकर कमर्शियल यूज तक हर जगह बिस्लेरी की डिमांड है। बिस्लेरी के कई हम शक्ल भी आज मार्केट में आ गए हैं। लोगों को नकली कंपनियों से सावधान करने के लिए बिस्लेरी कंपनी ने कैंपेन चलाया था, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। साथ ही इन दिनों बिस्लेरी का एक स्लोगन भी काफी मशहूर हो रहा है, समझदार बिस्लेरी पीते हैं। इस तरह के कैंपेन्स के जरिए बिस्लेरी ने लोगों के दिलों और दिमाग में जगह बनाई। तभी तो आज आप और हम दुकान पर जाकर पानी की बोतल की जगह बिस्लेरी की बोतल ही मांगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर बिस्लेरी ने पानी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।